बाड़ी में एएन और जेएन के साथ मारपीट मामले में गाय पर गिरी गाज। धौलपुर एसपी शिवराज मीणा को हटाया। नारायण टोगस होंगे धौलपुर के नए एसपी। फिलहाल डीसीपी क्राइम जयपुर में तैनात हैं नारायण टोगस। वहीं धौलपुर एसपी शिवराज मीणा को लगाया गया है एसपी सीआईडी मानव अधिकार जयपुर। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में दो दिन पहले एएन और जेएन के साथ हुई गंभीर रूप से मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी लेकर आज खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने घायल एएन की कुशलक्षेम पूछी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कड़ा एक्शन लेते हुए धौलपुर एसपी शिवराज मीणा को हटाया है। उनके स्थान पर नारायण डोगस को धौलपुर का नया एसपी लगाया है। वहीं लालसोट दौसा के डॉक्टर अर्चना सोसाइट केस में दौसा एसपी को भी हटा दिया गया है। आपको बता दें कि एएन जेएन मारपीट मामले में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा एवं उनके समर्थकों पर मारपीट के आरोप लगे हैं, जिसमें विधायक मलिंगा सहित अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। वहीं इस मामले में प्रदेश के मुखिया गहलोत सख्त नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि धौलपुर एसपी शिवराज मीणा बेहद सरल स्वभाव के हैं और सीधे हैं। इन्होंने कम समय में धौलपुर ज़िले के लोगों के बीच अपनी अच्छी छवि बनाई थी और अच्छा कार्य भी कर रहे थे। इनकी कार्यशैली के लोग कायल थे, लेकिन आज हटाए जाने के बाद लोग यही कह रहे हैं कि गाय पर गिरी गाज। दौसा में एक घटना हुई, एक घटना धौलपुर में हुई, क्या कुछ? दोनों घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं और मैं समझता हूँ कि ऐसी घटनाएं होना ही बहुत ही मैं समझता हूँ कि मानवीय दृष्टिकोण से समझ के परे हैं, किस प्रकार से कोई हमला कर सकते हैं। अभी जो मैं देखा तो लगता है कि काफ़ी ज़्यादा चोटें आई उनके। हमने निर्देश दे रखे हैं डीजी पुलिस को भी और पूरी निष्पक्ष जांच भी हो रही है। जो कल्पित है उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस लगी हुई है, चाहे वो धौलपुर की घटना हो, चाहे वो लालसोट की घटना हो, और इसमें निष्पक्ष जांच होगी। और मैं समझता हूँ कि ऐसी घटना भविष्य में नहीं हो, इसके लिए हम तजवीज़ कर रहे हैं कि इस प्रकार से रुके जाए। और भारत सरकार के और स्टेट गवर्नमेंट के क्या क्या निर्देश पहले के ही हैं, उसके बावजूद ऐसी घटना हो जाती है, उसको देखने वाली बात है। तो हम लोग पूरा दिखवा करके फिर तय करेंगे कि एसओपी जारी नहीं करें, पाबंद करें लोगों को और ऐसी व्यवस्था करें कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी।